अब ना तो ये गाइस चैलेंज है और ना ही ये प्रैंक है कि मेरे में कितना भेजा है और शोना मैडम में कितना भेजा है। और सच बताऊं गाइस, मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो अपने दिमाग से लिखे हैं। और बताओ मैडम, इंडिया की करेंसी? सच बताओ तो मुझे नहीं पता, मुझे अपना नेशनल एंथम पता है। नहीं, जापानीज आती है आपको? उस जापान वाले से तो अच्छा ही क्वेश्चन है यार, ऐसे गिनना नहीं है, सेकंड सेकंड जल्दी नहीं, ऐसे नहीं होता। इस क्वेश्चन को लेके मैं काफी इससे यू नो क्या हूँ, इम्प्रेस। क्या बात, ओ भाई मारो मुझे। हे माँ, माता जी छोड़ो ना, गोवा। गलत बात है। नाइस, आज मुझे कुछ सीखने को मिला। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, सिर्फ कोल्ड और कफ है भाई, जिसने दो तीन दिन से ना दिमाग खराब कर रखा है। मेडिसिन लेके भी नहीं जा रहा, क्या करूँ यार, तुम ही बता दो क्या करूँ। गर्म पानी पी रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, इतना कफ हो रखा है ना, मतलब इतनी इरिटेशन। मतलब आपको ही पता है जब कोल्ड होता है तो आधी इरिटेशन इससे ही रहती है। और गाइस आज ना कुछ इंटरेस्टिंग सा है यार, कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। क्या मैं अलग कर रहा हूँ? अल्लाह ये तो कह रही थी कि कहीं चलते हैं बाहर और उसका व्लॉग बना लेंगे। मैं कहा यार मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, मैं घर बैठ के ही कोई व्लॉग बनाना चाहता हूँ। अब ना तो ये गाइस चैलेंज है और ना ही ये प्रैंक है, तो ये क्या है बताओ? क्विज चैलेंज। वाह, ये कोई चैलेंज भी नहीं है गाइस, इसको पता है क्या बोलते हैं? कि मेरे में कितना भेजा है और शोना मैडम में कितना भेजा है। तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ ना क्वेश्चंस रेडी करता हूँ। 10 क्वेश्चंस मेरे होंगे और 10 क्वेश्चन शोना के होंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं कि हम दोनों को नॉलेज कितनी है, कुछ पता भी है या नहीं पता, राइट? बाकी तो आपको पता ही, आपका भाई जीत जाएगा। और गाइस बोलना पड़ता है ना यार, बाकी क्या पता ये जीत जाए। तो इसमें कोई भी प्राइज वाली बातचीत नहीं है, पहले तो मैं आपको बताया था मैडम। आगे मुझे पता है ये बोलती कि क्या मिलेगा, तो इससे पहले बताया था भाई कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ना ही जीतना इसमें ना ही हारना, सिर्फ बात इतनी है कि नॉलेज हम दोनों में से किसको अच्छी है। तो बाकी मुझे अभी से ऐसा लग रहा है, मुझे एक वाइब आ रही है कि यार मैं जीत सकता हूँ, बाकी लेट्स सी। और सच बताऊं गाइस, मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो अपने दिमाग से लिखे हैं। और रही बात शोना मैडम, आपने गूगल से लिखे हैं? आई रियली नो वेरी वेल। थोड़े बहुत गाइस, 10 में से 2 मैंने भी गूगल से निकाले, 8 मेरे दिमाग से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 10 क्वेश्चंस गूगल पे से नहीं होने चाहिए, वरना गाइस वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर देना। अब ये मेरे से पूछे वहाँ का मंत्री कौन था, वो तो गाइस देखो पॉसिबल नहीं है, किसी को नहीं पता होता, ये 100% चीज। बेसिक नॉलेज से अगर तू छाट के लाई है ना, वो मैं क्विक बता दूंगा गाइस। और इसने अगर कहीं ऐसे खोद के निकाला है ना क्वेश्चन, तो वो तो डिफिकल्ट होगा। चलो बिना किसी देरी के आप इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे फोन से तो ब्लॉग बन रहा है, और गाइस ये शोना का वाला फोन जिससे मैंने प्रैंक किया था। तो गाइस ये फोन बहुत काम आता है आपको सच बताऊं तो, चैलेंजेस में, प्रैंक्स में। और अब देखो दोबारा, अब इस पे मैंने वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दिए, मैं इससे पूछूंगा शोना से, और मेरे फोन में तो व्लॉग बन ही रहा है। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं इसको स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन आप पूछोगे या मैं पूछूं? आप पूछो। क्या बात है गाइस, तो पहला मौका है मेरे पास। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडिया की करेंसी क्या है बताओ मैडम? इंडिया की करेंसी? हाँ, इंडिया की करेंसी रुपीज। क्या बात है गाइस, कांग्रेचुलेशंस, पहला क्वेश्चन मैडम। गाइस सही, मैंने कहा था मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कि मैं पता है या नहीं पता है यार। और जिसको नहीं पता है प्लीज जान लो इंडिया की करेंसी पता है क्या है, रुपीस। आई नो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो। तो चलो आप पूछो पहला क्वेश्चन। चलो ओके, पूछो पूछो। पूरे दुनिया का छोटा नेशनल एंथम कौन सा है? पूरे दुनिया का छोटा नेशनल एंथम कौन सा है? या फिर आप नेशनल एंथम पूछ रहे हो मेरे से? नेशनल एंथम छोटा, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा यार गाइस पूरे वर्ल्ड का। हाँ यार, इंडिया से रिलेटेड कुछ पूछती ना, ये बहुत छोटी चीज है। मैंने सच बताओ तो मुझे नहीं पता, मुझे अपना नेशनल एंथम पता है। क्या है यार सोना, मुझे अपने देश का पता है। चल अब नहीं पता, मैं हार गया, बता। जापान। चल अब गा के सुना। गा के सुना, यही होता है जब गूगल से निकाले क्वेश्चन गाइस। यार नहीं, मैंने बस इतना देखा था कि नेशनल एंथम क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे छोटा नेशनल एंथम कौन सा है, तो एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था तो मैंने ले लिया। ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन। गाइस आई नो इट्स इंटरेस्टिंग कि पूरे वर्ल्ड में से सबसे छोटा नेशनल एंथम कहाँ का है। मैं चलो मानता हूँ जापान का होगा, बट आप भी एक बार शोना मैडम से बोलो ना कि एक बार गा के तो सुनाए। नहीं, जापानीज आती है आपको? यार मतलब क्वेश्चन देख रहे हो, अननेसेसरी क्वेश्चन गाइस, अननेसेसरी नहीं है कुछ नहीं, इसको पता है, विनय को नहीं पता हो तो ऐसी क्वेश्चन निकालती है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस, तुम्हें पता है अच्छा नहीं था, ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो। तो गाइस अब है दूसरा क्वेश्चन। देखो तुम्हारा भाई बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन लेकर आया, जिससे तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले मेरे से, शायद मुझसे भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बताया मैंने। बिल्कुल जापान। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? गाइस हिंदी दिवस यार, वी आर हिंदुस्तानी, यू नो वी आर इंडियंस, हमें पता होना चाहिए हिंदी दिवस अपना कब होता है। उस जापान वाले से तो अच्छा ही क्वेश्चन है, जल्दी बता। ही मत हंस, शायद क्या 5 अक्टूबर। ओह माय गॉड, मुझे कोई धक्का मार दो इससे टेबल से। अच्छा नहीं पता क्या कब है। गाइस हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। ठीक है जिसको नहीं पता जान लो भाई, मुझे तो पहले से पता था, इसलिए मैंने सोचा इससे जरूर पूछूंगा क्योंकि इसको नहीं पता होगा हिंदी दिवस के बारे में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए यार, वी आर इंडियंस गाइस। ओके तो चलो दूसरा क्वेश्चन अब आप पूछो मेरे से। तो अभी दो में से एक इसने बताया, दो में से एक मैंने बताया है। हमारे राष्ट्रीय गान में जय हे कितनी बार आता है? नाइस क्वेश्चन यार, ऐसे गिनना नहीं है, ऐसे गिन देंगे जल्दी। नहीं ऐसे नहीं होता यार, ऐसे गिन। 7 बार डन, 7 या 8 बार डन, हाँ डन, 10 बार yes. मैं वही मन में गाता गाइस, 10 बार आता है जय। अच्छा क्वेश्चन था, ये गाइस ये इस क्वेश्चन को लेके मैं काफी इससे यू नो क्या हूँ, इम्प्रेस। क्या बात। तो गाइस नेशनल एंथम तो सबको आता ही होगा, जनगण मन, तो उसमें जय कितनी बार आता है ये शोरा ने मेरे से पूछा। तो मैंने अपने दिमाग में याद करा नेशनल एंथम, तो मुझे 7-8 बार वो कैलकुलेशन हुई, बट इसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताई वो है 10 बार आता है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कितने बता चुके हो, हमने एक भी नहीं बताया। तो गाइस अभी दो दो क्वेश्चन हुए हैं और इसके दो में से मैंने एक भी नहीं बताया और मेरे दो में से इसने एक बताया है, वो भी करेंसी वाली बात, पैसे वाली गाइस, पैसे वाली यू नो, पैसा पैसा। तीसरा क्वेश्चन पूछो। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12। ओ भाई मारो मुझे। नहीं 12 नहीं होते गाइस, खांसी हो रही है। 12 प्लेयर्स होते हैं गाइस क्रिकेट में। ओ भाई 10। ओ हे माँ माता जी। गाइस पहले बोला 12 प्लेयर्स, फिर बोला 10 प्लेयर्स। चलो गूगल कर लो, इसी में से ही है। गूगल कर लो कितने होते हैं, मैं तो बता ही दूंगा। गाइस क्रिकेट में होते हैं 11 प्लेयर्स यार, लमसम आगे पीछे मुझे था 10, 11, 12, 11 ही नहीं बोला मैं। एक प्लेयर बिना होना तो पूरा क्रिकेट हिल सकता है। अबे यार गाइस कहाँ से आई है ये। तो चलो गाइस क्रिकेट के बारे में भी मैम को पता लग चुका है कि उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप पूछो क्विक फास्ट बिना किसी देरी के। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जल्दी। नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। बहुत बढ़िया। बेसिक क्वेश्चन है, तो हर किसी को पता होता है। सही बात है, बिल्कुल गूगल से निकालो, हर किसी को पता होता है। ये मैंने लिखा है अपने दिमाग से। हाँ ये तो मुझे पता ही लगा, सबको पता होगा कि नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कोई पता है यार ये? पता है पता है पता है, वही है ना जो ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। नाम बता जल्दी। योगी। वेरी गुड, नाम नहीं पता पर थोड़ा पता। यस यू आर राइट, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल पूछो। विच स्पोर्ट्स इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का राजा, स्पोर्ट्स का राजा, स्पोर्ट्स का राजा, स्पोर्ट्स का राजा, यस स्पोर्ट्स का राजा। हाँ स्पोर्ट्स का राजा जो सबसे ज्यादा खेला जाता है और किंग है। फुटबॉल। शाबाश, फुटबॉल है, जीते रहो। फुटबॉल है गाइस, मैंने तो तुक्का मारा था ये। ओ यार देखा, कभी कभी आप तुक्के से भी जीत सकते हो, मुझे नहीं पता था ये, मैंने सिर्फ तुक्का मारा, नहीं पता था ये तुक्का मारा मैंने फुटबॉल, क्योंकि इतना हैवी वर्ड था फुटबॉल, तो मुझे लगा क्या भाई यही होगा, यही है भाई। देखा गाइस 4-4 क्वेश्चन अपने हो गए हैं और 4 में से हमने 2-2 बताया और 2-2 नहीं बताया, तो 5वां क्वेश्चन मेरा, अभी हम इक्वल चल रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन मेरा पहले ये है कि भाई विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, भारत में डायमंड सिटी कौन सी है, जहाँ पे डायमंड बहुत बनता है, बताओ 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 जल्दी। विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, फास्ट। नहीं पता, क्विट कर सकती है, डोंट डिले, लेट मत कर, नहीं पता ना। सूरत है? Yes. अच्छा जी, गूगल कर सकते हो आप। तो गाइस सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी। अच्छा हाँ, तो चलो भाई अब सोना पूछेगी 5th क्वेश्चन में से। 5th क्वेश्चन, इंडिया की सबसे छोटी सिटी कौन सी है, सबसे छोटी, स्मॉल। इंडिया की सबसे छोटी सिटी, मुझे पता है इसका आंसर, थोड़ा समय चाहिए। यार याद आ रहा है, इंडिया की सबसे छोटी सिटी ना दिल्ली। नहीं पता, नहीं। जहाँ तुम्हें घूमना पसंद? क्या मुझे घूमना पसंद है? छोड़ो, गोवा। गाइस सॉरी, ये मुझे लिटरली पता था यार, सबको पता होगा। हाँ गोवा गाइस बहुत छोटा है, बहुत।
ये आपको पता था, ये इनको इतना घूमना पसंद है गोवा में और यार इनको यही नहीं पता। तुम्हारा भाई बहुत क्लोज था, बट ठीक है, हार जीत चलती है। चलो तो छठा क्वेश्चन मेरा है। तो गाइस पांच में से दो सोना ने बताया और दो मैंने बताया। अब छठा क्वेश्चन, तो गाइस अब है छठा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई ये है, पूछो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम। वाओ, क्लैप, बात है, प्राउड ऑफ यू। यार बेसिक क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो गाइस नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया पता है क्या है? वंदे मातरम। चलो छठा क्वेश्चन आप पूछो फास्ट। जो फीमेल डॉग होती है कितने टाइम में बेबी बॉर्न करती है? डॉग्स की तो नॉलेज है यार, गलत जगह आप आए हो ये पूछने के लिए। अच्छा, मुझसे ज्यादा? हाँ, मुझसे ज्यादा नहीं होगी, ये पता है मुझे। फिर भी 3 months यही है ना। गुड देखा गाइस, गुड पता था मेरे को। अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो गाइस अब है सातवां सवाल, और सातवां सवाल ये है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? हर नोट पे लिखी होती है सोना, हर नोट रुपीज। ए माँ माता जी, मार दो मुझे कोई। आर रुपीज आरबीआई की फुल फॉर्म। एक मिनट, हर नोट पे होती है, 2000 का हो, हर एक मिनट रुकोगे? हाँ ठीक है, रुक गया। गाइस देख रहे हो, बताओ जल्दी बताओ। रुपी बैंक ऑफ इंडिया, वो फर्स्ट वर्ड नहीं आ रहा है, इंडिया बैंक तो लिखा होता है। ये बहुत क्लोज है गाइस। हाँ पता है मेरे को, बहुत क्लोज है, बट जो फर्स्ट वर्ड है वो ही रॉन्ग है। तो अब आपको देखो नहीं पता तो नहीं, दो मिनट। हाँ गिव अप कर सकते हो, बहुत बेसिक नॉलेज गाइस, बहुत बेसिक। रुपीज गलत, रुपीज है ही नहीं आगे, मैं अभी कह रहा हूँ गिव अप कर दो फास्ट। नहीं पता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर नोट पे लिखा होता है गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलो पूछो सातवां सवाल अब आप। जो देखने की कोशिश थी ना, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मैंने नहीं देख पाया। लाल किला इंडिया का कितने साल में बना था? रेड फोर्ट कितने साल में बना था? यार तू ऐसे सवाल क्यों लाई जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है यार, गूगल से निकाल के गाइस ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, अपने दिमाग से लाते ना, जैसे मैं लाया हूँ। बताओ जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता यार। दस साल में बना था, देखा कितना बड़ा है वो, कितना बड़ा। यार ये छोटे छोटे बच्चे गूगल से निकाल के लाए क्वेश्चंस मुझे हराने के लिए। नहीं पता तो पहले गिव अप कर दिया मैंने। ठीक है चलो गाइस अगला सवाल। तो गाइस अगला सवाल ये है, न्यूज़पेपर गाइस देखो ऑलमोस्ट लोगों के घर में आता ही है, फुल फॉर्म बताओ उसकी, टी ओ आई की फुल फॉर्म। यार ये तुम कहाँ से छाट के लिए आए टी ओ आई? गाइस अखबार, मैं तो पंजाबी सुना है, पंजाब केसरी। गाइस मैं बता रहा हूँ सबके घर में अखबार आता है, इसके घर में भी अखबार आता है। टी ओ आई की फुल फॉर्म इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर है। हाँ ठीक है मेरे को पता है। हाँ, बताओ। टेली समथिंग करके है, टेली। गाइस लाल किला कितने साल में बना था? 10 साल में। अखबार न्यूज़पेपर जो उसके घर पे डेली आता है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, देखा कैसे होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया सोना। यार ये तो मेरे को पता था ना। यार गलत बात है। मैंने कहा था गाइस ये मेरे खुद के दिमाग के क्वेश्चंस है, अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कौन गूगल से लाया है। चलो पूछो आठवां क्वेश्चन। क्रिकेट का दूसरा नाम क्या है? क्रिकेट का दूसरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है यार वैसे तो। बैट बॉल। क्वेश्चन बैट बॉल। नो बताओ इसका आंसर। क्यों बताओ? तुमने बताया था मेरे को। अगले को बता दूंगा। नहीं बताओ। अच्छा बिल्कुल अगले को बता दूंगा ना। बताओ आंसर बता दे। नहीं पता। बैट बॉल क्रिकेट गोल गट्टम क्रिकेट का नाम। हाँ, है हाँ। सबसे पहले गोल गट्टम था, फिर बाद में जाके क्रिकेट हुआ है। ये इंटरेस्टिंग था, इसके लिए हम आपको सलूट मारेंगे मैम। नाइस, आज मुझे कुछ सीखने को मिला। ठीक है good. देखो गाइस ओनम फेस्टिवल बेसिकली कहाँ पे मनाया जाता है गाइस? ओनम आमी तो को मागो मागो या गाइस बंगाल में मनाया जाता है। सच में ओनम मेरे स्कूल में ना काफी सेलिब्रेट होता था हर साल, इसलिए मुझे ओनम के बारे में पता है। क्रिश्चियन स्कूल में जल्दी बताओ। ओनम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है यार, मेन वहाँ पे मेन फेस्टिवल वहीं का है वो। तो चलो अब पूछो आप नौवां क्वेश्चन मेरे से फास्ट। टेलीफोन किस सन में आया था? गाइस बहुत इजी है तो 1876 ग्राहम बेल, पता है मेरे को। चलो सही हूँ ना मैं। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? कोलकाता। क्या बात है यो। यस गाइस कोलकाता फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया है। तो चलो भाई लास्ट क्वेश्चन बचा है सोना की साइड से। कुतुब मीनार में कितने फ्लोर है? ओ नाइस आंसर बता दे। क्यों बताऊं, तुम जीत जाओगे। आंसर बता दे यार, प्लीज जल्दी, प्लीज गुदगुदी मत कर, जल्दी। मैं एक मिनट को तुम मीनार जा रहा हूँ और काउंट करके आता हूँ। नहीं पता यार, बता दे। बताओ जल्दी। नहीं पता ना। पांच फ्लोर। तू कब गई जो गिन कर आई है?
बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा आज तक कुतुब मीनार गई है? चला जा जा जा, इसके बेसिक क्वेश्चंस को ना मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुतुब मीनार गया हूँ दो तीन बार। यार अब चुप हो जाओ, बता कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा बता दे। चुप हो जाओ, चलो आज गाइस क्यों करते हैं, गाइस कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं इससे ना। कुतुब मीनार के सामने एक और मीनार है जो इसको इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मुझे पता है कुतुब मीनार के बारे में, मुझे नॉलेज है। हाँ ये नहीं पता था कितने फ्लोर है, बट मुझे पता है कि वहाँ पे एक और मीनार है जो एक और बन रहा था और जो बन नहीं पाया था। चलो छोड़ो यार, ये बच्ची हार जाएगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करने से पहले हम अभी एक हमारे एक पार्टिसिपेंट को और बुलाएंगे, छोटा सा पार्टिसिपेंट हमारा है, देखते हैं उसको कितनी नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ शोना से ज्यादा उसको नॉलेज होगी, पक्का पक्का। तो इसी के साथ दैविक कुशवाहा आ रहे हैं, आ जाओ दैविक कुशवाहा जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या बीच में। तो चलो भाई, तो गाइस हमारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, ये छोटे से रहेंगे, तो देखते हैं इनको भी कितनी नॉलेज है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है? सोना बहुत से ज्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? सोना चैलेंज करो, ये तो चैलेंज वाली बात है यार, सब पता है आपको? सोना तू जा, चलो ठीक है गाइस। अच्छा ठीक है, मैं मजाक। चलो गाइस पूछते हैं हम दैविक से, पूछे तो पहला क्वेश्चन ये है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सोना क्या बात है यार, कोई पता है? ही इज राइट, मिस द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं दैविक से, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भैया आपको पता है? पता है दैविक आपको? तो जल्दी याद कर, नरेंद्र मोदी। यस नरेंद्र सिंह मोदी, यस यू आर राइट। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको बिना लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब। बाय 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 बाय। अब ना तो ये गाइस चैलेंज है और ना ही ये प्रैंक है कि मेरे में कितना भेजा है और शोना मैडम में कितना भेजा है। और सच बताऊं गाइस, मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो अपने दिमाग से लिखे हैं। और बताओ मैडम, इंडिया की करेंसी? सच बताओ तो मुझे नहीं पता, मुझे अपना नेशनल एंथम पता है। जापानी जाती है आपको? तो जापान वाले से तो अच्छा ही क्वेश्चन है यार, ऐसे गिनना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को लेके मैं काफी इससे यू नो क्या हूँ, इम्प्रेस। क्या बात भाई, मारो मुझे, हे माँ माता जी। नाइस, आज मुझे कुछ सीखने को मिला।